देखिए, आपने एक नाम शायद सुना हो, लेकिन अगर नहीं सुना तो मैं आपको बताता हूँ, सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन, या इसको सी ऑफ क्यू भी कहते हैं। ये क्या चीज़ है, किनको चाहिए और किनको नहीं चाहिए, इसको लेने के क्या फ़ायदे हैं, इसको लेने का तरीका क्या है। तो सबसे पहले चलते हैं कि सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन है क्या। सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन ये है कि कैनेडा ने कुछ हंड्रेड्स ऑफ स्किल्स, और वो स्किल्स क्या हैं, जैसे प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, बेकर, कन्फेक्शनर, हेयर स्टाइलिस्ट, बार्बर और कारपेंटर, और इस तरह की बेशुमार जॉब्स। इस तरह की बेशुमार से मतलब है हंड्रेड्स ऑफ जॉब्स हैं। कनाडा कहता है कि अगर आपके पास एजुकेशन है या नहीं है, डज नॉट मैटर। अगर आपने प्रॉपर कोई काम कहीं से सीखा है, या कहीं पर छोटा बन के अप्रेंटिसशिप में किसी दुकान में आपने किसी बंदे से भी ये काम सीखा है, आप मैकेनिक हैं, मैकेनिक भी हैं, इलेक्ट्रिशियंस हैं, एयर कंडीशनिंग का काम करने वाले लोग हैं, सोचते जाएं, ये सारे जितने इस तरह के प्रोफेशंस हैं ना, वो सब सब के लिए कनाडा ऑफर करता है सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन। ठीक होगी बात जी। अब इस सर्टिफिकेट को सबसे पहले करने का फ़ायदा, अगर आप इमिग्रेशन अप्लाई करते हैं फेडरल स्किल ट्रेड प्रोग्राम के अंडर, यानी कि अगर आप इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, कोई ऐसा काम करते हैं, मिस्त्री हैं जो ये बिल्डिंग्स बनाता है, और आप छत का काम करना चाहते हैं, आप मैकेनिक हैं, पंखे ठीक करते हैं, मतलब बहुत सारे प्रोफेशंस हैं, उस पर अलग कोई वीडियो बना दूंगा। तो आपको वैसे FSTP के अंदर भी ये जो मैंने वीडियो बनाई है उसमें भी ये पता लग जाएगा। वो कहते हैं आप ऐसे करें कि अगर आपने इमिग्रेशन अप्लाई करनी है तो या तो आपके पास जॉब ऑफ़र हो, अगर जॉब ऑफ़र नहीं होगा तो फिर आपके पास क्या हो, सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन। कि सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन हर प्रोविंस की अपनी बॉडी है जो ऑफ़र करती है, हर टेरिटरी की अपनी बॉडी है जो ऑफ़र करती है। एक या दो टेरिटरीज हैं, वो मेरे अभी जहन में नहीं है, वो ऑफ़र नहीं करती इसके अंदर सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन। सारे प्रोविंसेस करते हैं, और उसके साथ फेडरल के अपनी अथॉरिटी भी है, और वो अपने अदारे के थ्रू भी आपको सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन करवाता है। ये इसका तरीका है। जब आप वेबसाइट पर लिखेंगे सी ऑफ क्यू, तो वो आपको उस साइट पर ले जाएगा, आप उस प्रोविंस को क्लिक करें, उनके साथ कॉन्टैक्ट करें और अपना वहाँ पर अप्लाई करें। तो होगा क्या कि वो आपसे फ़ीस लेंगे, कोई $170 फीस लेता है, कोई $250 लेता है, कुछ कोई इससे ज़्यादा लेता है, मतलब आप रफली समझ लें कि $200-$300 आपकी फ़ीस लगेगी अगर आप खुद अप्लाई करते हैं। तो आप अप्लाई कर देंगे कि ये मेरी क्वालिफिकेशंस हैं, ये मैं करता हूँ, ये मैं स्किल जानता हूँ, मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ, मैं बेकर हूँ, मैं शेफ़ हूँ, मैं कुक हूँ, सो ऑन, जो कुछ भी आपको आता है, यानी कि जो स्किल भी आप सोच सकते हैं ना, आप नान भाई हैं, कुछ भी हैं, तो आप ये काम कर सकते हैं। प्लम्बर की बहुत डिमांड है, ये याद रखिएगा, और आपके पास इतना सफिशिएंट टाइम होता है कि अगर अभी आपने काम नहीं सीखा तो आप इस अरसे में सीख सकते हैं। 6 महीने साल लगते हैं आप प्लम्बरिंग, इलेक्ट्रिशियन ये काम सीख सकते हैं। अगर आपके पास डिप्लोमा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये है कि जैसे ही आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन की अप्रूवल आती है, तो वो कहते हैं हमने आपको एक्सेप्ट कर लिया, तो वो एक्सेप्टेंस के बाद बताएंगे कि आपके पास आगे 1 साल, 2 साल, 3 साल टाइम है, इस ड्यूरेशन में आप कनाडा तशरीफ़ लाएँ और आके एग्ज़ाम दें। तो कितने मज़े की चीज़ है कि कोई इमिग्रेशन, कोई जॉब नहीं, लेकिन आप टेस्ट देने के बहाने वहाँ जा सकते हैं। लेकिन टेस्ट देने का बहाना इतनी आसानी से पैदा नहीं होगा, टेस्ट देने का बहाना बड़ी मुश्किल से पैदा करना पड़ता है। ठीक है, अगर आप चाहें तो खुद अप्लाई करें, वरना ये हमसे अप्लाई करवा सकते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि इसके बाद आपकी डायरेक्ट इमिग्रेशन हो जाएगी। नंबर टू, जब आप टेस्ट देने जाएंगे सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन के लिए, अगर आप अप्रूव करते हैं आपको कोई बॉडी उसकी, तो ये बहुत टेक्निकल काम है, ये इतना आसान काम नहीं है। पाकिस्तान के 99.99% कंसल्टेंट ये काम नहीं जानते, वो सिर्फ आपसे पैसे पूसे खा जाते हैं। ये बहुत आसान काम नहीं होता, इस पर टाइम लगता है। और इसके अंदर ये है कि आप टेस्ट देते हैं, और जैसे ही आप टेस्ट क्वालिफाई करेंगे, आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन आएगा, आपको पाकिस्तान भी वापस आने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ हाथों हाथ आपको जॉब मिल जाएगी।